भी जानी है। तो पहला है आयुर्वेद, क्या अपनाना है? आयुर्वेद। और आयुर्वेद में हम लोग क्यों अपनाएंगे? क्योंकि आयुर्वेद क्या करता है? प्रिवेंशन, बीमारी को जड़ से खत्म करता है आयुर्वेद। लेकिन अंग्रेजी दवा क्या करता है? ट्रीटमेंट, केवल बीमारी को दबाता है। तो आज हमें आयुर्वेद अपनाएंगे। जैसे पूर्वज अपनाता पैर हाथ टूटता था तो हम लोग क्या अपनाते थे? आयुर्वेद। हम लोग को कोई भी आज भी बैल बकरी को पैर हाथ टूटता है तो क्या हॉस्पिटल ले जाते हैं? तो उसका पैर हाथ हम लोग क्या जोड़ते हैं कि नहीं? गाँव में तो उससे नहीं जुड़ता है का? तो आपका नहीं जुड़ेगा, जब उसका जुड़ेगा तो। लेकिन हम लोग को भरोसा कम हो गया आयुर्वेद पे। हम लोग दौड़ के फट से कहां जाते हैं? एकदम डॉक्टर के पास। सर्दियों खांसी हो गया तो डॉक्टर के पास, पास आदत हो गया, इसीलिए बीमार हो रहे ज्यादा। क्या है तो लोग, कई लोग बोलते अरे सर आयुर्वेद नहीं ना काम करता। नहीं, आयुर्वेद काम करता है, लेकिन आयुर्वेद से लोग धीरे धीरे इसलिए भाग रहा था क्योंकि इसको कूटना पीसना पड़ता है। आयुर्वेद बढ़िया काम करता है, लेकिन आयुर्वेद क्या है? इसको कूटना पीसना पड़ता है, इसीलिए लोग इसे दूर भाग रहा था। क्या होता है, मान लीजिए बड़ी मेहनत से तो लोग कूटेगा पीसेगा, ऊपर से और तीता का सा कड़ा नीम का पता है तुम, बाप इतना तीता ऐसे करेगा तो खाएगा कोई? तो बड़ा दिक्कत। अगर कोई व्यक्ति अभी यहां पे आया, हम फटाफट देखे बीमारी और दवा लिखते गए है ना। लेकिन अगर कोई आता अभी बुखार, हाँ बहुत दिक्कत है सर, हाँ अच्छा पैर हाथ भी दर्द देता है, हाँ ऐसा कर लेता, हाँ हाँ, और उसके बाद बोलते लास्ट में अच्छा तो ऐसा करना घर जाना, और उसके बाद जो है घर से आंवला लाना, हरा लाना, बहरा लाना, दूब घास लाना, चिरैता लाना, चित्रक लाना, गोलकी लाना, उसके बाद में जो सतावर लाना, फिर बाजार का जितना जड़ी बूटी है सन्याक छाल, चित्रक छाल, इस तरह को कूटना पीसना, और उसके बाद मिश्री मिला के फिर उबालना छालना, और फिर इसको पी जाना सुबह शाम। इतना बोल देते तो पसीना पसीना होता, बोलता सर हम तरह बुखार ही उतर गए। उसके बाद पीवो नहीं करता। तो पहले लोग इसलिए आयुर्वेद को नहीं अपना, धीरे धीरे भूलते जा रहे थे क्योंकि इसको बड़ा मेहनत करना पड़ता है। आज नीम को पीस लीजिए और पिलाइए तो पिएगा, तो आज क्या है दिक्कत होता है। तो आपकी कंपनी ने अब क्या कर दिया, स्टैंडर्ड तरीके से ले आया, सिरप में, गोली में, टेबलेट में। जैसे पहले अंग्रेजी दवा कैसा ऐसा एकदम सिरप में बनाता था, एकदम सिरप में। तो हम लोग क्या, तो खांसी हो गया बच्चा को उठा के डॉक्टर के पास ले गए, सिरप दिया वह ढक्कन खोला ले, बुखार हुआ ढक्कन खोला ले, इधर से खा खा के ठीक नहीं हो तो इंजेक्शन निकाला ले। तो हम लोग क्या है अंग्रेजी दवा के पीछे क्यों जाते थे? जल्दी ठीक होता था, सुविधा है ना, कहा जाते थे सुविधा। अब आपकी कंपनी भी बना दिया स्टैंडर्ड तरीके से, अब आपको खाने पीने में दिक्कत, अब आपको भी खांसी होगा ना, देखिए खांसी का सिरप है ना, अब आपको खांसी होगा आप भी ढक्कन खोलिएगा ले, बुखार हुआ ढक्कन खोला ले, बस आराम हुआ कि नहीं हुआ? आप पीसना नहीं पड़ेगा, कूटना नहीं पड़ेगा, इसीलिए अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, और अब आपको खाने पीने में भी दिक्कत नहीं है। तो अभी आपकी कंपनी का न्यूट्रासिटिकल में, तो हमारी कंपनी किस तरीके से बनाती है, मेडिसिन प्रोडक्ट बनाती है, और बाजार का प्रोडक्ट जो आयुर्वेद लोग क्या बनाते हैं, सप्लीमेंट बनाते हैं। तो सप्लीमेंट दवा क्या होता है, धीरे धीरे काम करता है। कैसे काम करता है? धीरे धीरे। लेकिन मेडिसिन प्रोडक्ट क्या करता है, तुरंत काम करता है। क्यों? क्योंकि मेडिसिन इन्फेक्शन से होता है। मान लीजिए जो इन्फेक्शन है उसको ठीक करता है मेडिसिन, जैसे खांसी इन्फेक्शन हो रहा है तो मेडिसिन क्या है, इन्फेक्शन को ठीक कर देगा। बुखार वायरस और बैक्टीरिया से होता है तो बुखार का वायरस और बैक्टीरिया को मार देगा। तो लेकिन सप्लीमेंट क्या करता है, इन्फेक्शन को ठीक नहीं करेगा। तो लोग कैसे बनाता है, सप्लीमेंट बनाता है, आपका ए बी सी डी विटामिन बना देगा, उसको खाएगा, फिर धीरे धीरे उसका विटामिन आएगा, शरीर में ताकत आएगा, फिर शरीर धीरे धीरे हीलिंग का काम करेगा। तो ऐसे में तो टाइम लगभग करेगा, इसीलिए लोग ऐसा दवा बनाते थे, इसलिए आयुर्वेद धीरे काम करता है लोग बोलता है। लेकिन आपकी कंपनी ऐसा नहीं बनाता, आपकी कंपनी न्यूट्रासिटिकल बेस में बनाता है, यानी अंग्रेजी दवा तो जल्दी भी ठीक होगा और कोई साइड इफेक्ट नहीं।
अंग्रेजी दवा जल्दी ठीक करता है लेकिन साइड इफेक्ट करता है, यानी ज्यादा अंग्रेजी दवा खाइएगा तो खाइए का मर जाइएगा। तो अंग्रेजी दवा कब खाना है? एकदम तत्काल में जल्दी इलाज करना है तो एक आध बार के लिए, एक दो दिन के लिए। लेकिन लंबा खाना है, जैसे शुगर का, बीपी का, कोई दर्द का, लंबा समय से दवा खाना है तो आयुर्वेद खाना चाहिए ताकि आप जिंदा रह सकें। और ज्यादा अंग्रेजी दवा खाइएगा तो खा के लीवर किडनी सब खत्म। तो लंबा समय कभी भी खाना है तो आयुर्वेद। तो हमारी कंपनी में क्या है, साइड इफेक्ट भी नहीं होता है और क्या होता है, जल्दी काम करता है। और ये व्यापार जो है ना अब बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? ये क्या होता था, लोग इसको भूल गया था, लेकिन स्टैंडर्ड तरीके से आ गया। और जैसे कोरोना आ गया ना तो गिलोय पी के ठीक होने लगा, गिलोय पी के कोरोना से। तो कोरोना जब होने लगा तो हॉस्पिटल में ठीक नहीं हो रहा तो घरे में गिलोय काढ़ा पी के ठीक हो रहा था। तो आदमी को अब आयुर्वेद पे फिर वापस विश्वास होने लगा, अरे भैया जिंदगी बचाना तो आयुर्वेद ही ठीक है। तो 2020 से लोग धीरे धीरे किधर भागने लगे, आयुर्वेद की ओर। और 2022 के अंतिम तक में आयुर्वेद एकदम चरम सीमा पे होगा। अगर किसी को बिजनेस भी करना है तो आप आयुर्वेद का बिजनेस करिए, दुकान खोलना है तो आयुर्वेद का करिए, कपड़ा दुकान है तो बगल में एगो रेक बना लीजिए और आयुर्वेद का खोलिए, जूता दुकान है तो बगल में रेक बना लीजिए और आयुर्वेद का दुकान खोलिए, राशन दुकान है तो रेक बना लीजिए और आप आयुर्वेद का खोलिए, ब्यूटी पार्लर है तो आप ना रेक बना के बगल में खोलिए। इससे क्या होगा, जैसे कोरोना आता है तो कपड़ा दुकान बंद, होटल बंद है ना, जूता दुकान बंद, सब बंद करवा देता है, करता है कि नहीं, लेकिन दवा दुकान खुला रहता है। तो आप जो है ना जूता दुकान वाले को बोलिएगा तुम इसको भी ले लो, तो क्या होगा, आयुर्वेद दुकान खुला रहेगा, बगल में जूता, कोई आयुर्वेद दवा लेने के चक्कर में जूतों बिक्री हो जाएगा, कपड़ा दुकान रहेगा बगल में आयुर्वेद, और दवा लेने के चक्कर में कपड़ों निकल जाएगा। तो ये बिजनेस में पुलिस वाला भी कहेगा खोल कर, जैसे यहाँ पे भी जैसे भीड़ लगा पूरा एकदम धनाधन धनाधन पुलिस वाला आ गया, लेकिन बोला ये आयुर्वेद का ट्रेनिंग डॉक्टर साहब आए तो पुलिस वाला चल गया। अगर कोई दूसरा काम होता रहे इतना भीड़ लगाते तो पुलिस वाला भी मीटिंग करने नहीं देता। यही है आयुर्वेद जो है आने वाला दिन का सबसे बड़ा व्यापार है। गांव गांव में दुकान खोल सकते हैं। आपकी कंपनी आयुर्वेद का ऐसा ऐसा चीज ला रहे ना कि आप घर बैठे बैठे सब सामान